टेस्ट कराने हैं कोरोना अगर साइन ऑफ करवाने के लिए शिप से साइन ऑफ करना है तो आपको पहले यहाँ कोरिया में कोरोना टेस्ट करवाने आना पड़ेगा और इसके लिए पहले से बुकिंग होती है, एजेंट करवाता है तो यहाँ पे टेस्टिंग होती है ऐसे एक बॉक्स में। वो जो दिख रहा है वो पेपर फॉर्म है, फॉर्म भरना पड़ता है, डीडी का फॉर्म है, वन पेज फॉर्म ओनली। ये जो चीफ एजेंट का टेस्ट होगा भी वो टेस्ट है। और ये बिल्डिंग देख रहे हो आप, इमिग्रेशन ऑफिस में आए हैं कोरिया की वुहान ब्रांच में और ये बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट होती है देखिए आप, इन्होंने सब बाहर करके रखा है। ग्रीन वे नाम है इस जगह का। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आप देखोगे कोरियन के साथ इंग्लिश लिखी होती है, यहाँ पे कोरियन लिखी है, उसके नीचे मारुल लिखा हुआ है। और ये बहुत अच्छी चीज देखी मैंने कोरिया में, इंग्लिश भी लिखते हैं लोग हर जगह, इंडिया जैसे ही दिखता है कोरिया भी। बिल्डिंग देखिए आप सामने, बिल्कुल इंडिया जैसी है, बस क्लीन है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है और कम पॉपुलेटेड है, बाकी सब मुझे इंडिया जैसा ही दिखा। ये हमारी कार है पिकअप जो हमें इमिग्रेशन में लेकर आई थी, ये अभी हम इमिग्रेशन कर क्लियर करके कोरोना टेस्ट करके वापस जा रहे हैं होटल में, वहाँ परसों फ्लाइट होगी हम शिप से उतरे अभी। सब बिल्डिंग्स वैसे ही इंडिया जैसी, कुछ यूरोप से डिफरेंट है, इंडिया जैसी दिखता है, यूरोप बिल्कुल लगता है इंडिया में, यहाँ की रोड है काफ़ी अच्छी है, थोड़ा बनाई है, बिल्डिंग्स विल्डिंग सब सेम है, इंडिया जैसी होती है वैसी। चलिए देखो साउथ कोरिया, और यहाँ पे ना इन्होंने म्यूजिक लगाया हुआ है, अगर आप पास करोगे तो म्यूजिक बज रहा है स्पेशली This music coming when you are on this road, music, that music. Sound. No. In the tunnel, music. Tunnel? Yeah. This is outside. Music. There was no music. No music. Outside. Just now you can make same sheet. Oh. Yeah. But no music. Yeah. Inside no music. Outside. And it's like Again coming here? No, only that one. Yeah. Special design? Yeah. Oh, see the special design, when the car moves through the tunnel, the sound comes like a music in that last tunnel. Next tunnel, same? No. No, I have. Only one tunnel. Yeah, only one. Okay, so this was beautiful thing which we saw. अभी देखा हमने tunnel में music बजा, क्योंकि music बज नहीं रहा था, वो actually बस car निकलती है वहाँ से तो इस डिजाइन से बनाई गई है कि इसमें म्यूजिक बजने लगता है ऐसे अपने आप। ये भी पुसान, ये पुसान की बिल्डिंग है, देखो ब्यूटीफुल, हम लोग भी जा रहे हैं देखते हैं, बहुत सुंदर लगा वहाँ पे एंट्री की है। ऐसी बिल्डिंग्स पहली बार मिली हमको देखने, ऐसी पहले थी नहीं, कहीं और नहीं दिखी थी, पुसान में दिख रही है। So, he's with me. हम लोग जा रहे हैं, साइन ऑफ किया कोरिया से और बहुत ही अच्छा व्यू है, लेकिन सी के ऊपर बनाया हुआ, दिस इज सो ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर, पूरा सी के ऊपर इन्होंने ब्रिज बनाया है, हीलिंग टाइप का। क्वारंटीन कर लिए और हम लोग अभी होटल की तरफ जा रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए हमारा क्वारंटीन हो गया। क्वारंटीन मतलब कि उन्होंने हमारा टेस्ट किया था, पीसीआर टेस्ट सर्टिफिकेट दे दिया है और उसके बाद अभी इमिग्रेशन क्लियर किया, हम लोग अभी होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल में जब तक आपकी फ्लाइट नहीं होती जब तक आपको वहीं रहना पड़ेगा होटल के अंदर, और फिर जब फ्लाइट होगी उसके दिन आपको बाहर निकलेंगे, मतलब आइसोलेशन में रहना पड़ेगा कोरोना की वजह से।
ओके गाइस, आज एक्चुअली हम लोग क्वारंटाइन फैसिलिटी में आए शिफ्ट से, और हम साउथ कोरिया में, हमने साउथ कोरिया में साइन अप किया तो हंग में, और यहाँ पे हमको एक मेरे चीफ इंजीनियर भी हम लोगों को एक छोटा सा रूम दिया है, और यहाँ पे मेरी 4 तारीख फ्लाइट है, तो आज 2 तारीख है यहाँ पे, तो 2 दिन बाद फ्लाइट है, और इस रूम से मेरे को बाहर निकल अलाउड नहीं है। मैं रूम दिखा देता हूँ एक बार, कितना बड़ा देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा सा रूम है ये, है इसका पीछे मेरे डोर है, और ये मैंने इसको लॉक करके रखा है। बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मैं एक बार फिर भी बाहर ऐसे दिखा देता हूँ। ये है बाहर, और ये सबके खाने रखे हुए लोगों ने, बाहर क्वारंटाइन फैसिलिटी है, इन सबके खाने रखे हुए लोगों ने, तो बस अपना खाना उठाओ और अंदर ले जाओ, वहाँ वो चीफ इंजीनियर का कैबिन है, और ये अलार्म दे रहे हैं बिकॉज मैंने ओपन किया है, नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, दैट्स व्हाई। तो मैं शुरू कर लेता हूँ, और इसके लिए फाइन भी, अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ, तो इसको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा बड़ा ही एकदम जेल जैसा है ये चीज़ तो, और ये है मेरा रूम, बहुत ही छोटा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल। और ये खाना रख देते बाहर, तो खाना उनके कैम के बाहर रखा था रूम के बाहर, तो ये खाना था, मैंने चिकन बोला था तो मुझे चिकन ही आया, और कुछ पोटैटोज दिए, और ये कुछ स्पेगेटी दिए, प्लास्टिक का रहता सारा सब चीज़ें, जैसे कि डिस्पोजेबल है, आप बाहर रख के ये ले जाके फेंक देते हैं। अब रूम सर्विस देते हैं, ये क्वारंटीन है कोरिया की, चावल दिए हैं, ऐसी बॉयल माने जो बेकार से राइस होते हैं, वो टाइप के राइस इनके बहुत अच्छे माने जाते हैं कोरिया और ये साउथ ईस्ट एशिया में। और ये थोड़े से स्नैक्स रखे हैं, बाकी रूम बहुत अच्छा है, छोटे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई, जैसे कि अभी देखिए ये दिया हुआ है, तो ड्रायर भी दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया शीशा दिया हुआ है, टीवी भी है, टीवी भी चलता है, और इसके बाहर उसके बाद टीवी में इंडियन चैनल्स नहीं आए, पुसान में हूँ, और ये नीचे व्यू दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है पुसान, हमें जब बाहर जाना अलाउड नहीं है, बाहर जाने पे पेनल्टी है, और 1 साल की जेल भी हो सकती है, और डिपोर्ट भी किया जा सकता है, ये इनके सेट ऑफ रूल्स है जो इन्होंने बताया, तो सेट ऑफ रूल्स है यहाँ पे दिए हुए क्लियरली, जब हमने आए थे यहाँ पे तो इन्होंने बाहर हमको ये दिया था, इसमें क्लियर लिखा हुआ है क्रिमिनल पेनल्टी है, और पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ क्वारंटीन ऑर्डर्स, पेनल्टी फॉर वायलेशन क्वारंटीन ऑर्डर्स है, फेलियर टू कंप्लाई विद द क्वारंटीन अंडर मे रिजल्ट इन क्रिमिनल पेनल्टी ऑफ नियरली 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, फाइन अप टू 10 मिलियन वॉन्ग, वॉन्ग इनकी यहाँ की करेंसी का यूनिट है, जैसे हमारे रुपीज होता है और यूएस का डॉलर होता है। सिविल डैमेज अकॉर्डिंग टू, अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए क्या क्या हुआ था, एग्जाम्पल ऑफ पेनल्टीज फॉर लीविंग द प्लेस ऑफ क्वारंटीन, एक केस में क्या हुआ, 3 रेजिडेंट थे जिन्होंने छोड़ दिया टेम्प्रेरी रेजिडेंट क्वारंटीन, हम जैसे रखे चुपचाप के लिए बाहर, बाहर कुछ नहीं, कैमरे लगे हुए और एलिवे में भी कैमरे लगे हैं बाहर, मैं दिखा सकता हूँ। तो आफ्टर 2 डेज उनको मिला, उनको डिपोर्ट कर दिया, प्रोहिबिट को 5 ईयर्स कर दिया, तो एक रेजिडेंट को छोड़ के चला गया, 8 घंटे बाद पुलिस ने पकड़ा उसको, उनको डिपोर्ट कर दिया, 5 साल के प्रोहिबिट कर दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये इनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और ऐसे करके आप नहीं जा सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉयलेट इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा टॉयलेट प्रोवाइड किया गया, शिप की तरह लग रहा है, यूजुअली नहीं होता, बात अभी है इसमें, और 3 टाइप के शैम्पू है, कंडीशनर है, और बॉडी, ओह माय गॉड, 2020 से कोरोना के कारण ये सब चीजें करी जा रही है, और हम लोग अभी शिप से उतरे हैं, तो ये गवर्नमेंट का है क्वारंटाइन, ये मैंने पहली बार देखा, काफी अच्छा, इसमें हीटिंग दी हुई है, इसमें बहुत फैसिलिटी, कोरियन में लिखा हमें समझ नहीं आ रहा, पर इट लुक्स लाइक हाई टेक फॉर मी, यूजुअली नॉर्मल होटल्स में इंडिया के ये भी लिखा है कि नहीं आएंगे ये लोग क्लीन करने के लिए किसी भी रूम को, बस आपको टॉवल दे देंगे, फेस वॉश और बाहर रख देंगे उठाना है, तो नो कॉन्टेक्ट विद ह्यूमन बीइंग ऐसा रखा हुआ है, हमारा क्वारंटीन टेस्ट हो चुका है, PCR टेस्ट हो चुका है, हम लोग क्लियर होने के लिए नेगेटिव आए थे, फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रिकॉशन ले रहे हैं, सारी कंट्रीज ले रही है, आयल से रहा था, पर चले कोई नहीं, इनकी कंट्री है, लेकिन दे वांट व्हाट एवर दे वांट टू डू, दे कैन डू, अभी टेम्परेचर भी यहाँ पे रूम में मेरे 21 डिग्री है, और बाहर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब कम है, लाइक अभी इस समय बाहर 4 डिग्रीज होगा, तूफान हम लोग नवंबर 2020 है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर विल बी वेरी लेस, अभी सॉरी दिसंबर 2nd December है, तो काफ़ी टेम्परेचर कम है, अभी आप मिडिल ऑफ दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में आएंगे तो यहाँ बर्फ भी गिरती है। आई विल रादर से दिस लुक्स लाइक मुंबई, लेस क्राउडेड, लेस पॉपुलेटेड, मोर ऑर्गेनाइज्ड। मैं आया था रास्ते में, हम लोग 3 घंटे का रास्ता करके आए वहाँ से किसान, 3 घंटे का रास्ता था, टनल थी बीच में, गुड राइट,
अच्छी रोड थी, सेम लाइक इंडिया है। देखो आप जैसे वो नीचे वाली रोड देख सकते हो, ये वाली रोड दिख रही है, तो ऐसी लेन हमारे यहाँ भी होती है। बस में क्या होता है कि टूटी फूटी होती हैं और लोगों ने कारें बहुत रखी होती हैं, लोग बहुत होते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है प्लेसेस हमारी। पर रोड ऐसी होती हैं, घर भी हमारे ऐसे बने रहते हैं, फ्लैट कंक्रीट वाले, यूरोप की तरह नहीं है यहाँ पे, जैसे कि ऊपर प्लांटिंग लगाई जाती है। मैं जिनमें भी एक वीडियो बना सकता हूँ बनाऊँगा इसका, पर नाइट में इसकी लुक अलग आ रही है, बिकॉज बहुत अच्छा ये स्क्रीन अच्छा कलर्स दिख रहे हैं और लाइटिंग दिख रही है। तो दैट्स इट, यही बस बताना था कि क्वारंटीन फैसिलिटी कैसी है कर रहे हैं। मैंने साइन अप फ्रॉम हियर और यू कम हियर तो आपको यहाँ 14 डेज का क्वारंटीन ऐसे ही मिलेगा, गवर्नमेंट क्वारंटीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए कोई पेमेंट नहीं करती कंपनी आपकी कोई भी चीज़, आपको खुद को भी नहीं करना पड़ता। टेस्टिंग करते हैं फिर 14 डेज रखते हैं, उसके बाद यू कैन गो आउट इफ यू कम एज अ टूरिस्ट, उसके बाद यू कैन गो आउट एंड रोम अराउंड। तो आप अपना प्लान बना के आइएगा इस तरीके से, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने डेज लूज कर सकते हैं। वीज़ा, थैंक यू। सही है सर वीडियो। ये है बुसान और हम लोग अभी कोरिया, बुसान में, कोरिया बुसान में, साउथ कोरिया। बिल्डिंग अच्छी है, देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो घर बने उस घर के ऊपर देखोगे तो कचरा पड़ा हुआ है उसका, जैसे हमारे घरों में कई घरों में रखते हैं ऊपर स्टोर रूम बना के। घर भी पेंटेड नहीं है ऐसा कुछ कि पेंटेड हो और बहुत सुंदर हो, हर चीज़ इंडिया जैसे घर है बिल्कुल। रोड भी आप देख रहे हो तो इंडिया जैसी गली है, बट कम पॉपुलेशन है इसकी वजह से कंजेस्टेड नहीं है। और घर भी जैसे नीचे है तो ये भी नॉर्मल घर है, सामने से देखने में नॉर्मल लगते हैं, बट ये आप ऊपर से देखो टंकी लगी है उसकी, नीचे ब्लू कलर की टंकी लगी है और शायद फोन में इतना दिख रहा हूँ मुझे, ओपन आई से बहुत क्लियर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा नॉर्मल। जैसे वो सामने की बिल्डिंग है उसमें उसमें ये वाली बिल्डिंग है, इसमें दरारें आई हैं तो उसको फिलअप किया गया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटीफुल। जैसे यूरोप में आप चले जाओ, यूरोप में बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट लगती है बिल्डिंग्स और इंडिया से बिल्कुल मैच नहीं करती है कोई भी चीज़, वेरी डिफरेंट। ऐसा नहीं कि सारे घर ऐसे ही, सब घर वैसे तो बने हुए इंडिया स्टाइल में ही, ऊपर से कॉन्क्रीट लेंटर डला हुआ, कोई भी यूरोप स्टाइल का नहीं है, जिसमें ऊपर नीचे ऊपर से ऐसे उनकी छतें होती हैं नीचे इंक्लाइन टाइप की, तो बिल्डिंग्स तो नॉर्मली सब है ऐसे ही घर हैं। लोग भी ऐसे, हर कोई इतना रिच नहीं है यहाँ पे कि ऐसे बहुत यूरोपियन स्टाइल के घरों में रहता हूँ। यूरोप में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, मैं यूरोप का हूँ मैं, मुझे पता है बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है उनका रहने का, उनके घर बनाने का, उनके गरीबों वाले घर भी अच्छे होते हैं दिखने में इंडिया से भी, इनसे भी एक्चुअली, इनके तो घर हमारे जैसे हैं, जैसे इसमें खिड़कियों में जाली लगी हुई है लोहे की, नॉर्मल इंडिया में होती है बेसिकली। और इस घर के तो आगे आप देखो तो खिड़कियों में स्टैंड लगा हुआ है, ये भी बेसिकली एसी के लिए है, किसी चीज़ के लिए। बहुत मैं आया था रास्ते में तो मैंने देखा, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि बहुत डेवलप कंट्री वाले घर हैं, इंडिया में होते हैं ऐसे घर, यूरोप वाले घर इंडिया में नहीं होते बेसिकली, जब ऐसे घर बनाना है इसलिए इंडिया में बहुत कॉस्टली पड़ता है। ये वाले घर तो इंडिया में नॉर्मली देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा,